गाइस, मेरा न्यू ब्लॉग, माय न्यू ब्लॉग। और मैं आप दिखा रहा हूँ, यहाँ पर शादी का पूरा टेंट उंट लग चुके हैं। और यहाँ पर आप रात का डिनर का कल नहीं होते रहे, आज रात का डिनर का भी यहाँ पर कल है ना, इधर ये रात का डिनर का भी यहाँ पर भोजन तैयार कर रहे हैं, सब्जी सब्जी काट रहे हैं। हाँ, यहाँ पर सब्जी शुरू होगी कटना, ये रात का तैयारी हो रही है रात के लिए। और आपको आगे दिखाते हैं, यहाँ टेंट भी लग गया है, यहाँ पर डीजे डूजे लगेगा, यहाँ पर टेंट भी स्टार्ट हो गया, लग गया है। और चिलपटे किधर लगा रखे, और इधर हेलोजन लाइट भी लगा रहे हैं मेरा सिंह। और इधर चूल्हा लगे अपने यहाँ पर इसमें क्या था, दाल भी डल गई इसमें, लाइट की व्यवस्था हो रही ऊपर। और इधर टेंट भी लग चुका है, इधर तो कल को लग गया था जब वर्षा बन रहे थे, उस समय आपको ब्लॉग में दिखाया था हमने आपको। अब आपको पीछे दिखाते हैं, अब दोबारा बैकग्राउंड कैमरा करके, ये मिक्स वेज सब्जी तैयार हो रही है, शिमला मिर्च फली और ये घिया, आलू गीजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, लौकी, ये पूरा तैयार हो रहा है। गांव के लोग मिलके मिलजुल के सारे काम करते हैं। और ये हमारे समधी जी भी है साथ में, ये भी आज पहुंच चुके हैं हमारे सार गांव में आज। और अब ये दाल डालने जा रहे हैं, चने की, लौकी, अब लौकी है, चने की, घिया चना, हाँ घिया चना डालने जा रहे हैं। शाम की तैयारी हो रही है और मौसम इस समय बहुत सुहाना हो चुका है, मतलब आसमान में बादल लग चुके हैं, बारिश की हल्की फुल्की छिटे पड़े थे, पर ठंड भी शुरू हो गई है, ठंड लग रही है मौसम। ये सार गाँव बहुत बड़ा गाँव है और शादी का बहुत ही अच्छा माहौल यहाँ पर बन चुका है, बहुत अच्छा माहौल गांव का, इतना अच्छा माहौल होता है कि मज़ा आता है गांव में, जो रौनक गांव में आती है वो कहीं और नहीं आती, इतना अच्छा मौसम हो रखा है यहाँ पर। और अभी आपको नीचे दिखाते हैं हम, मेहंदी होगी सर अभी अभी रात को। और ये यहाँ पर भी पब्लिक फैशन, यहाँ पर भी ये सारा तैयारी हो चुकी है, नीचे ये सारे चिलपट्टे वगैरह सारे लग चुके हैं। आपको अभी नीचे दिखाते हैं, दूल्हे पे मेहंदी लग रही है, एक बार मेहंदी का भी दिखाते हैं। और इधर मेहंदी लग रही है, मेहंदी की रस्म आज ही से शुरू करने जा रहे हैं ये लोग। और अभी से ये मेहंदी, आपने इनको पहले ब्लॉग में भी देखा होगा, ये भी पहुंच चुके हैं, सारे गेस्ट इस समय पहुंच चुके हैं, इनको आपने पहले ब्लॉग में भी देखा होगा। और इधर भी बैठे हैं हमारी दीदी लोग, इनको भी आपने देखा होगा, दूसरी तीसरी ब्लॉग में इनको गांव दिखाया था मैंने, वहां आपने देखा होगा इनको भी, ये भी पहुंच चुके हैं, सारे पहुंच चुके हैं। एक बस कौन है, सो गए हैं ये, और एक कुन्नू सिंह भी पहुंच चुकी है यहाँ पर, पूरी इधर देखो, आई करो यहाँ, आई करो, कुन्नू भी पहुंच चुकी है, ये बड़ी बहू तो उन खैर दिखी, और हाँ वो तो कह देती है। ये बच्चे लोग भी पहुंच चुके हैं, ये भी पहुंच चुके हैं, और ये देखो अपना एंजॉय कर रहे हैं बैठ के, अपने गप्पे सर पे मार रहे हैं, टेप और टेंट लग रहा है, यहाँ पर डीजे का प्रबंध होगा टेबल पे, यहाँ पर डीजे डूजे लगेगा। कल के दिन में गांव में न्यूतर है, कल के न्यूतर है, उस दिन मेहमान आते हैं यहाँ पर, हम तो पहले पहुँच चुके हैं। और इधर गणेश, यहाँ पर गणेश, यहाँ पर दूल्हे को यहीं पर गणेश बनेगा, दूल्हे का यहाँ पर बने, अभी यहाँ पर वो कर रखा थोड़ा सा, अच्छा ये बैठे हुए यहाँ पर। बच्चा लोग एक बार हमारे चैनल को क्या करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर, मतलब जो भी पहली बार जुड़े हैं लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है जरूर कमेंट में लिखे। ये सब्जी स्टोर, गाँव में सब्जी स्टोर ऐसा होता है, ये सब्जी स्टोर ही, शादी के लिए इतने सब्जी पहले आ जाती है, पूरा स्टोर भरा पड़ा है सब्जी का, सामान जितने यहाँ पर, ये सब्जी स्टोर, ये हमारे भाई साहब यहाँ पर सब्जी ले जाते हुए। और मौसम बहुत ही, मतलब ऐसे बारिश के छींटे फिर शुरू हो गए हैं आज, मौसम भी जवाब दे रहा है, बारिश बिल्कुल, बादल लग चुके हैं उधर, तो आगे तो बारिश हो रही है, अभी भी यहाँ पर भी बारिश के छींटे शुरू हो गए हैं। ये गांव का माहौल बहुत ही अच्छा है, लोकेशन, ये गांव
सारा गांव। और ये बर्तनों को धोते हुए ये तौल पुथाते हुए सोनू और संजय गौड़ तौल पुथाते हुए, ताकि ये काला ना हो, ये चूल्हे पे रखा जाएगा। इसलिए अगर ये ऐसे रखा जाएगा तो बिल्कुल काला हो जाएगा नीचे से, फिर धोना मुश्किल हो जाता है इसका। इसलिए इसको पहले पुथाते हैं, मिट्टी उट्टी लगा के इसके ऊपर डालते हैं। देखो बारिश शुरू हो गई, यहाँ पर बारिश से बूंदे बड़े बड़े पड़ने लगे हैं और बारिश शुरू हो, अब ये सब्जी अंदर ले जा रहे हैं। बारिश होने लगी है, यहाँ पर मेहंदी की स्टार्टिंग हो रही है दूल्हे पे। अरे गास बल्ब लगा दे, यहाँ यार लेजर लाइट लगा दो एक तेज और ये तेज लगा, ऐसे तेज कर लो ना, ये हाथों में मेहंदी शुरू हो गई है। ये दूल्हे की रसम, मेहंदी रसम शुरू हो गया है। 12 वाटा 15 वाटा कंप्लीट हो चुकी है। Everything is not